हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज़ शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज़ एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। सलमान की ब्लैकलिस्ट में आया शाहरुख की फिल्म का कौन सा डायरेक्टर? दिखाएंगे शाहरुख ने अपना बर्थडे कैसे किया सेलिब्रेट। क्या सलमान को फिर से लगाने पड़ेंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर? बताएंगे अनुराग कश्यप की फिल्म की शूटिंग किसने की स्टॉल। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं सलमान खान के गुस्से का शिकार हुए एक और डायरेक्टर की खबर के साथ। सलमान जितनी शिद्दत से अपनी दोस्ती निभाते हैं उसे कहीं ज्यादा शिद्दत से अपनी दुश्मनी भी निभाते हैं। और खबर आई है कि शाहरुख खान के साथ एक फिल्म साइन करने की वजह से सलमान ने अपने एक डायरेक्टर फ्रेंड को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। कौन है वो डायरेक्टर, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। सलमान खान रियल लाइफ हो या रियल लाइफ, किसी का एहसान नहीं लेते, लेकिन दोस्तों के ऊपर वो कभी एहसान करने से चूकते भी नहीं। अपने दोस्त की फिल्म प्रमोट करनी हो या फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस देनी हो, सलमान हमेशा एक बॉडीगार्ड की तरह अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन सलमान जितनी शिद्दत से अपनी दोस्ती निभाते हैं उससे कहीं ज्यादा शिद्दत से वो दुश्मनी करना भी जानते हैं। दोस्तों के दोस्त को सलमान दोस्त जरूर मानते हैं, लेकिन दुश्मन का दोस्त सलमान के लिए होता है सबसे बड़ा दुश्मन। और अब जूम को पता चला है कि बॉलीवुड का एक नोन डायरेक्टर जो कि पहले सलमान खान का दोस्त था, वो अब शामिल हो गया है सलमान के दुश्मनों की लिस्ट में। और इस दुश्मनी की वजह है उस डायरेक्टर का सलमान के सबसे बड़े राइवल शाहरुख खान के साथ दोस्ती। वेल, हम यहाँ बात कर रहे हैं डायरेक्टर रोहित शेट्टी की, जो आजकल शाहरुख खान के साथ फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस पर काम कर रहे हैं। और शाहरुख के साथ उनकी यही दोस्ती सलमान के साथ उनकी दुश्मनी का रीजन बन गई है। अभी कुछ समय पहले तक अच्छे दोस्त माने जाने वाले रोहित शेट्टी और सलमान खान ने रिसेंटली एक पार्टी के दौरान बात तक नहीं की। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो रिसेंटली एक पार्टी में जहाँ सलमान और रोहित शेट्टी दोनों मौजूद थे, वहाँ सलमान को देखकर रोहित शेट्टी उनकी तरफ हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सलमान ने रोहित को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। और ये देखकर रोहित शेट्टी थोड़े सरप्राइज तो जरूर हुए, लेकिन सलमान के इस जेस्चर को उन्होंने स्पोर्टिंगली लिया। पार्टी और लुकर्स की माने तो रोहित चुपचाप सलमान से दूर जाकर एक साइड में खड़े हो गए। There's no 5 AM friendship or anything. पंगा मैंने लिया था तो अभी मैं कुछ कर नहीं सकता इसके बारे में, अब इसके साथ जीना ही पड़ेगा। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सलमान ने शाहरुख के किसी करीबी की खिंचाई की हो। सलमान ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जहां वो शाहरुख के दोस्तों की बैंड बजा सके। वेल, शाहरुख खान के साथ फिल्म साइन करने के बाद रोहित शेट्टी ने शायद ही सोचा होगा कि उन्हें सलमान खान के साथ अपनी दोस्ती भुलानी होगी। फॉर आरती दानी, जूम मुंबई। कल शाहरुख ने जूम के साथ अपना बर्थडे एक्सक्लूसिवली मनाया था और आज जूम आपको बताएगा कि SRK के बर्थडे पर उनकी डॉटर सुहाना और सन आर्यन ने उन्हें दिया कौन सा गिफ्ट। टेक अ लुक। बॉलीवुड में शाहरुख खान को यूं ही बादशाह खान नहीं कहा जाता है। कल शाहरुख के घर के बाहर फैंस की भीड़ ने प्रूव कर दिया कि वो अभी भी हैं किंग ऑफ बॉलीवुड। शाहरुख के घर के बाहर एक दिन पहले से ही फैंस की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। शाहरुख के सारे फैंस उनकी झलक पाने के लिए मन्नत के आगे कई घंटों से इंतजार कर रहे थे। जूम ने शाहरुख के फैंस की दीवानगी की कुछ झलकें भी आपको कल दिखाई थी, जहां कोई रंगोली बनाकर शाहरुख को इम्प्रेस करना चाहता था तो कोई शाहरुख के लिए डिफरेंट पोस्टर्स लेकर आया था। और यही वजह है कि अपने बर्थडे के एक दिन पहले भी शाहरुख अपने फैंस को वेव करने पहुंचे और बर्थडे की रात भी अपने फैंस की इकट्ठा भीड़ को थैंक्स कहने के लिए शाहरुख एक बार फिर अपने घर के बाहर आए। वैसे शाहरुख ने जूम के साथ भी अपना बर्थडे एक्सक्लूसिवली सेलिब्रेट किया था। Yeah, this is my, ideal birthday party. I only invited Katrina and Anushka, so, when I cut it, we both sing. There's nobody been invited to this exclusive party, okay? And I'll keep doing this for the next 2 days.
वैसे ये तो बात हुई फैंस के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने की। जून को ये भी पता चला है कि शाहरुख ने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कैसे बर्थडे सेलिब्रेट किया। शाहरुख की डॉटर सुहाना स्कूल ट्रिप पर होने की वजह से अपने डैड के साथ नहीं रह पाई, लेकिन हाँ, सबसे पहले सुहाना ने ही शाहरुख को बर्थडे विश किया था। The first one to wish me as I thought कि होगा मेरी बेटी सुहाना, वो कहीं ट्रैवल कर रही थी, चुपचाप से जाग कर उसने फोन करके मुझे विश कर दिया। वैसे शाहरुख के बर्थडे के लिए उनका बेटा आर्यन भी लंदन से वापस मुंबई आया हुआ है और आर्यन ने अपने डैड को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक गेमिंग डिवाइस गिफ्ट की और आर्यन के गिफ्ट से खुश होकर शाहरुख आर्यन को लेकर एक बाइक राइड पर भी गए, जो कि आर्यन की पहली बाइक राइड थी। वेल, तो कुछ इस तरह शाहरुख ने अपने फैंस और फैमिली के साथ अपना पूरा दिन स्पेंड किया। For Rudrani Chaturaj and Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. 2002 के हिट एंड रन केस मामले में सलमान खान के लिए आई है एक बुरी खबर। मुंबई बेस्ड एक लॉयर ने सलमान और मुंबई पुलिस पर एक नहीं बल्कि 11 गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या सलमान इन आरोपों से फंस सकते हैं मुश्किल में? Let's find out. 2002 का हिट एंड रन केस एक बार फिर सलमान को हॉन्ट करने वापस आ गया है, लेकिन इस बार सलमान के खिलाफ पुलिस या कोर्ट ने नहीं बल्कि एक लॉयर ने खोल दिया है मोर्चा। मुंबई बेस्ड एक लॉयर वाईपी सिंह ने सलमान और पुलिस की साथ गांठ का आरोप लगाया है, जिसके मुताबिक जानबूझकर पुलिस सलमान के केस को कमजोर कर रही है ताकि सलमान इस केस से आसानी से बरी हो जाए। सलमान खान के केस में काफी गंभीर चीजें इसमें दिखी हैं, जहां पे पुलिस ने आरोपियों के साथ मिलके काफ़ी जो है सलमान खान की इसमें मदद की है। ये वो केस है जहां पे आरोपी और मुकदमा चलाने वाला व्यक्ति यानी कि पुलिस दोनों ही मिल गए हैं। वाईपी सिंह ने सलमान की केस को लेकर एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 11 गंभीर आरोप लगाए हैं। वाईपी सिंह का आरोप है कि सलमान पुलिस की मदद से गवाहों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, साथ ही साथ इस केस में देर करने के लिए वो डिफरेंट टैक्टिक्स अपना रहे हैं और यही वजह है कि इस लॉयर ने डिमांड किया है कि सलमान की बेल कैंसिल की जानी चाहिए। इसमें एक्यूज की जो है कहीं ना कहीं एक साठगांठ है, एक्यूज ट्रायल को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसी की वजह से कुछ विटनेसेस आ रहे हैं, होस्टाइल हो रहे हैं, कुछ जो है अनट्रेसेबल हो गए हैं और कुछ लोग जो हैं आते ही नहीं हैं, तो निश्चित रूप से एक्यूज जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है। रूल के हिसाब से ऐसे केसेस में एक्यूज को जो है उसकी बेल कैंसिलेशन करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन करना चाहिए, लेकिन मुंबई पुलिस और सलमान खान में इतनी निकटता है, इतनी घनिष्ठता है कि इस तरह की चीजें मेरे ख्याल से पुलिस कानून का पालन नहीं करेगी। वाईपी सिंह की माने तो सलमान को पुलिस एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रही है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश का संविधान एक आम आदमी और सेलिब्रिटी के लिए एक ही है। Well, अब वाईपी सिंह के द्वारा लगाए गए इन आरोपों की क्या हकीकत है ये पुलिस ही बेहतर बता सकती है, लेकिन एक बात तो साफ है कि सलमान के लिए वाईपी सिंह के आरोप बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। रिसेंटली लव शव से चिकन घुराना के स्टार कुणाल कपूर को स्पॉट किया गया एक मॉल में अपनी फिल्म को प्रमोट करते हुए, और यहां कुणाल ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए अपनी फिल्म को मिल रहे अच्छे रिव्यूज की एक्साइटमेंट शेयर की। लव शव ते चिकन खुराना फिल्म रिलीज तो हो चुकी है, लेकिन लगता है कुणाल कपूर अब तक फिल्म की प्रमोशन करते थके नहीं हैं। इसलिए तो इवन आफ्टर द रिलीज ऑफ द फिल्म वो अब तक चिकन खुराना रेसिपी को प्रमोट कर रहे हैं। दरअसल कुणाल कपूर ने अटेंड किया एक कुकिंग सेशन जहां पर उन्होंने शेफ के साथ मिलकर तैयार की अपनी चिकन खुराना रेसिपी। तो चलिए आपको मिलवाते हैं कुणाल कपूर से और उनसे जानते हैं कि इतने कम टाइम में उन्होंने कैसे तैयार की अपनी ये रेसिपी, और साथ ही करते हैं उनसे ढेर सारी बातें भी। लव शव ते चिकन खुराना तो रिलीज हो चुकी है और हमारे साथ है कुणाल कपूर। फास्टेस्ट और क्विकेस्ट चिकन खुराना की रेसिपी बनाकर दिखाइए। बहुत ही जल्दी हो गया ना कुणाल? हाँ, बहुत जल्दी हो गया। मैजिक फिंगर्स। और कितनी प्रैक्टिस करी आपने इसके लिए मैजिक फिंगर्स बनाने की? जी एक्चुअली मुझे थोड़ी हेल्प मिली शेफ से। बहुत ज्यादा हेल्प मिली शेफ से, तो मेरे मैजिक फिंगर्स का कमाल थोड़ा बहुत, लेकिन शेफ का काफी ज्यादा था। बिल्कुल। अच्छा, लव शव ते चिकन खुराना तो रिलीज हो गई है, आप सबको वो स्पेशल इंग्रेडिएंट भी पता चल ही गया होगा, मगर आज यहाँ ये बनाने के लिए क्या स्पेशल इंग्रेडिएंट कुणाल ने यूज किया? जी मेरा स्पेशल इंग्रेडिएंट था क्रीम और गार्निश ऑफ जिंजर। अच्छा,
अच्छा, जो आपने लास्ट में आके किया वो मेरा स्पेशल इंग्रेडिएंट था। अच्छा, बट कुणाल, हाउ एप्ट एंड हाउ कंफर्टेबल यू आर इन द किचन? आप अच्छे कुक हैं नहीं है कितना? जी एक्चुअली मैं बहुत बुरा कुक हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटर होने की। अब एब्सोल्युटली, और ऐसे बहुत कहा जाता है कि जब अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत इंप्रेस करना हो तो आप कुकिंग भी थोड़ा कर ही लीजिए, सीख लीजिए, क्योंकि हर गर्लफ्रेंड या वाइफ का होता है कि अच्छा हस्बैंड कुक हस्बैंड हो तो बहुत ही फायदेमंद चीज़ होती है, अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। तो और इस वक्त मैं मैगी और अंडे उबाल लेता हूँ, आई डोंट थिंक दैट्स इंप्रेसिव इनफ। हाँ, बहुत कम है, बहुत कम है। हाय डार्लिंग, आई मेड अ रोमांटिक डिनर फॉर यू। बिल्कुल, एग्स एंड मैगी। ऐसा दिन आएगा जब आप ये पूरा बनाएंगे और आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ आके क्रीम या गार्निशिंग करेंगे। अच्छा, फिल्म रिलीज हुई है, क्या रिस्पांस मिल रहा है ओपनिंग के बारे में? आई एम गेसिंग कि नॉर्थ में बहुत अच्छा कलेक्शन हुआ है ओपनिंग। नो, एक्चुअली एवरीवेयर द वर्ड ऑफ माउथ इज वेरी पॉजिटिव, द रिव्यूज आर ग्रेट एंड एवरीबॉडी दैट्स वॉच द फिल्म इज रियली लाइकिंग इट। सो या, दैट्स वेरी एक्साइटिंग। बट इट्स जस्ट डे वन, अभी तो मतलब हाँ, एग्जैक्टली, वीकेंड पूरा बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। बट समथिंग, यू नो, एनी इंडस्ट्री पर्सन, एनीबडी इज कम एंड टोल्ड यू दैट यू नो और मैसेज्ड यू व्हाट अ फिल्म इट इज, एनीथिंग व्हिच स्टैंड्स आउट कि कोई? लॉट्स ऑफ पीपल एट द प्रीमियर, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल दैट वॉच्ड द फिल्म एंड आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ देम एंड दे रियली लाइक्ड द फिल्म। आई मीन द कमेंट्स वर एब्सोल्युटली फैबुलस, आई नेवर एक्सपेक्टेड समथिंग लाइक दिस। A lot of them said they haven't seen a film like this in years. A lot of them said that it was the most charming Hindi film that they had seen. So a lot of like wonderful, wonderful comments. बिल्कुल, और इस फिल्म से आपने सबको ये तो बोल दिया कि खूब पेट भर के खाओ, है ना? वो तो बिल्कुल है, और सब अब शायद लव शॉप से चिकन खुराना के नाम के एक रेस्टोरेंट भी खुल जाए शायद। जी ऑलरेडी लुधियाना और जलंधर गए थे हम लोग। अच्छा, और वहाँ पर ऑलरेडी रेस्टोरेंट तो नहीं, लेकिन वहाँ पर डिश ऑलरेडी देयर आर डिशेज विच आर कॉल्ड चिकन खुराना, और हम लोग टेस्ट भी करके आए हैं उन डिशेज को। तो कितने मार्क्स दिया आपने उन डिशेज को? जी चिकन खुराना तो नहीं था, बट क्लोज इनफ। क्लोज। एंड यू हियर एट फूड हॉल, सो हैव यू एवर विजिटेड? डू यू एक्चुअली गो आउट शॉपिंग फॉर योर किचन और समथिंग? नो, आई गो, आई एक्चुअली डू, व्हिच इज स्ट्रेंज बिकॉज़ आई डोंट कुक, बट आई एक्चुअली गो एंड बाय सम ऑफ द स्टफ दैट आई नीड। And they say that, you know, picking up vegetables also quite refreshing and relaxing for some people. Are you one of those? No, eating them is. I don't know about picking them out. Okay, fine. Thanks a lot, Kunal. And hope we see you actually cooking something next time. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक्ट्रेस समीरा रेड्डी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। रिसेंटली कंप्लीट हुए दिल्ली फैशन वीक के दौरान एक्ट्रेस समीरा रेड्डी ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात की, टेक ए लुक। मेरे साथ में है गॉर्जियस समीरा रेड्डी, जो आज रैंप पर चली है और हमेशा की तरह लग रही है काफ़ी खूबसूरत। उनके हेयर स्टाइल बहुत डिफरेंट है, आइए जानते हैं कि उन्हें खुद ये हेयर स्टाइल एंड ये ड्रेस उन्हें कितना पसंद आया। वेलकम टू जूम समीरा। हैप्पी टू बी हियर। आई थिंक हेयर स्टाइल के बारे में द ब्लेंडर्स प्राइड फैशन टूर इज़ ऑल अबाउट फैशन, और आई थिंक हर साल मैं कुछ ना कुछ आई ऑलवेज लर्न समथिंग। आई मीन आई केम हियर टुडे, द स्टाइलिस्ट्स वर लाइक ये ट्रेंडिंग है, मैंने कहा ओ माय गॉड रियली, यू थिंक इट विल सूट मी? एंड इट्स ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क्स, फैशन इज अबाउट टेकिंग रिस्क्स। मुझे बताइए कि समीरा के वार्डरोब में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यस यस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम ओपन करेंगे और वहाँ हमें दिख जाएगी? ओ माय गॉड, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट्स ऑफ शूज़, क्योंकि मेरा शू साइज बहुत ही स्पेशल है, सो आई ऑलवेज से दैट इट्स एन इन्वेस्टमेंट टू हैव लॉट ऑफ शूज़। आई थिंक वन थिंग दैट आई ऑलवेज वी विल सी इज लॉट ऑफ जैकेट्स। I love jackets. I think कि बहुत ही अच्छा form fitted jacket, you can make it look very nice, very elegant, very sensual. So you'll see definitely a lot of jackets, a lot of jumpsuits. And I think in general you'll see a lot of saris. बात करते हैं आपकी फिल्मों की, अभी हमने एक आइटम सॉन्ग देखा आपका एंड काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स मिला है, एंड टेल अस योर एक्सपीरियंस ऑन दैट, और सबसे बेस्ट और कैसा लगा, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? यू नो, फॉर मी प्रकाश झा ने जब मुझे ऑफर किया ये गाना, I heard it and I said, wow, it's very energetic. It's actually very tough, kyunki Ganesh Acharya bahut, you know, he really puts you to the test. So people have loved the steps, they have loved the song. As I think more importantly, Chakravyuh ko push diya gaya hai, because it's such an interesting film, it's a very intense film. It needed a bit of glamour,
And I went in and I did it. Because you know, Prakash Jha से मेरी थोड़े दिन पर जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान बात हुई थी, मैंने कहा इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है, इतना यू नो बहुत टेंस भी है, मतलब जो, तो ऐसे में आप आइटम सॉन्ग क्यों ऐड कर रहे हैं? तो इसे कि आपको ऐसा लगता है इट्स लाइक रेडी स्क्रिप्ट की डिमांड थी, और या अभी आजकल नया ट्रेंड हो गया कि आइटम सॉन्ग्स होना ज़रूरी है? I'll tell you, I've seen the film और इट इज़ 100% फिटिंग इन टू द फिल्म, क्योंकि सेकेंड हाफ में इतना सीरियस यू नो बातचीत चल रही है, एंड सो मच गोइंग ऑन दैट देर इज़ दिस वेरी व्हाट यू कॉल इट, इट्स वेरी फास्ट पेस्ड थिंग, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि द गाना वॉज सूटेड फॉर इट. ये नहीं है कि प्रकाश झा इज़ सच एन इंटेंस फिल्म मेकर, आई डोंट थिंक वो कभी कुछ डालेंगे फिल्म में जो फिल्म को कुछ यू नो इट्स नॉट गोइंग टू लुक बैड. So one thing is for sure that of course it is put in for the glamour, but it's not looking out of place at all. Okay, so Sameera ko hum item song ke alawa bhi aise koi projects mein dekhenge jahan wo hame kuch aur different karte hue nazar aayenge? Well, right now I've took a break and I've just come back. I feel Chakravyuh was a great film to you know get back into the groove with, or I'm looking at script and I think Aya was a fantastic film. I would love to do something like that. It's fun. Okay. You know, Sameera, जैसे अभी करीना की शादी हुई है तो हर कोई ये देखना चाह रहा है कि जितनी भी हमारी सिंगल्स एक्ट्रेसेस हैं, गॉर्जियस एक्ट्रेसेस हैं, उनमें से अब किसकी बारी आती है? तो आई विल टेल यू, आई एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया. आई थिंक दिस ईयर यू नो लारा, जेनिलिया, करीना एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग मैरिड, एंड ऑल आई कैन से इज कि यू नो व्हेन माय टाइम कम्स इट कम्स, लेकिन देयर इज No semblance of that right now. Thank you so much हमसे बात करने के लिए. Yeah, thanks a lot. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है. So please stay with us. रिसेंटली राम गोपाल वर्मा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पहुंचे एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स ने कंफ्यूजन में अनुराग कश्यप की फिल्म की शूटिंग रुकवा दी. क्या है पूरा माजरा? Let's find out. राम गोपाल वर्मा जी की फिल्म शूटिंग दो दिन से इनलीगली गिरगांव चौपाटी के पास हो रही है, क्योंकि शूटिंग जहां भी 26/11 के बारे में हो रही है उसके खिलाफ एजिटेशन करना और उस फिल्म को रोकना है. कल रात को करीबन 12:15 बजे एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स पहुंच गए काला घोड़ा एरिया में, जहां उन्होंने एक शूटिंग को रोकने की कोशिश की. दरअसल उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म 2611 की शूटिंग कर रहे थे, और इसी शूटिंग को स्टॉल करने के लिए पहुंचा ये पॉलिटिकल ग्रुप, जिनके मुताबिक आरजीवी को इस सेंसिटिव सब्जेक्ट पर फिल्म नहीं बनानी चाहिए. इस पॉलिटिकल ग्रुप का ये मानना है कि इस मूवी की शूटिंग से देश के लोगों के सेंसिटिव इमोशंस का मजाक बनाया जा रहा है. वो इस फिल्म को तभी बनने देंगे अगर रामू इसे एक डॉक्यूमेंट्री की तरह प्रोजेक्ट करे और इस फिल्म से कमाया हुआ सारा पैसा विक्टिम्स की फैमिली को दे. लेकिन क्या ये पॉलिटिकल ग्रुप सही जगह पर पहुंचा? ये हम आपको बताते हैं. कुछ समय पहले यहाँ समाजवादी पार्टी के कुछ मेंबर्स की भीड़ जमा हो गई थी. वो लोग आरजीवी के 2611 मूवी की शूटिंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे. उनका ये मानना है कि 2611 की ये मूवी हमारे देश के खिलाफ है और इसलिए वो इसकी शूटिंग नहीं होने देंगे. वेल, उनका पैशन तो सही था मगर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत. ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं इसमें आरजीवी की 2611 मूवी की शूटिंग नहीं मगर अनुराग कश्यप की किसी डॉक्यूमेंट्री मूवी की शूटिंग हो रही है. Well, while the information is wrong and they are quite disheartened, I'm sure RGV is at the moment feeling quite relieved. जी हाँ, ये है सच्चाई. इन प्रोटेस्टर्स ने स्टॉल कर दिया अनुराग काश्यप की डॉक्यूमेंट्री को, ये समझकर कि ये आरजीवी की फिल्म की शूटिंग चल रही है. एंड लेटर द कॉप्स वर देयर टू कंट्रोल द सिचुएशन. और जब जूम ने एक प्रोटेस्टर से खुद जाके बात की तब जाके हमें पता चला कि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली. हमको बिल्कुल पता नहीं था. हमको तो पहला हम गिरगांव चौपाटी पे हमारी पूरी युवा समाजवादी पार्टी की टीम फरहान आदमी के आदेश पे पूरी युवा टीम गिरगांव चौपाटी पे फील्डिंग लगा के रखी थी. हमको लगा कि कल के जैसा आज कल ऐसा पता चला गया. दो दिन से लगातार वहाँ डुप्लीकेट पुलिस, डुप्लीकेट गाड़ियाँ पुलिस की, सब पब्लिक को परेशान करके रखे, रोड पूरा ब्लॉक करके रखा है और शूटिंग कर रही है 26/11 के बारे में. दो दिन से कंप्लेंट शायद आ रहे थे हमारे अध्यक्ष महोदय फरहान आजमी साहब को. आज उन्होंने हमको आदेश दिया कि इसकी कोई भी शूटिंग हो रही होगी 26/11 के बारे में उसके खिलाफ जाना है और बिल्कुल शूटिंग रोक देना है. शूटिंग बिल्कुल होने नहीं देना है क्योंकि पब्लिक की भावनाओं के खिलाफ हो रहा है. तो हम लोग गए थे गिरगांव चौपाटी में काफ़ी तादाद में, वहाँ कुछ शूटिंग वूटिंग दिखी नहीं. 11 बजे तक वेट किए वहाँ पर हम लोगों ने. फिर हम लोग को पता चला कि रिदम हाउस के पास आसपास कुछ लगा है सेटिंग का. तब हम लोग तुरंत वहाँ से, हमारी पूरी टीम निकली वहाँ से. फिर आए तो पता चला गया यहाँ भी शूटिंग नहीं हो रही करके. तो कुछ इस तरह से ये सीरियस मुद्दा एक फनी सिचुएशन बन गया. फॉर रुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई.
With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.